नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। शहीद सीडीएस विपिन रावत जी सहित वीर शहीद की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। रामगढ़ भुरकुंडा एसवीएम पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिवार सहित क्षेत्र के युवा समाज सेवी उपस्थित हुए। सुंदर नगर स्थित एसवीएम पब्लिक स्कूल में सीडीएस शहीद विपिन रावत सहित 12 शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। विपिन रावत जी देश के प्रथम सीडीएस भी घोषित हुए थे। उन्हें कई वीर पदकों से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें स्वार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। भारत के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अहम लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस दुर्घटना में अपनी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी खो दिया। राष्ट्र उनके द्वारा की गई कर्तव्यों का सदैव ऋणी रहेंगे। उनके निधन पर आज एसबीएम पब्लिक स्कूल में 2-2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। मौके पर रामकृष्ण शर्मा, इंदु देवी, अंजू ठाकुर, अनामिका श्रीवास्तव, प्रहलाद पांडे, विश्वरंजन सिन्हा, राजेश सोनी, अजय पासवान, मंसूर खान, सागर कुमार, हर्ष कुमार, अनिल केशरी इत्यादि। हम लोग एसवीएम पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हमारे इस राष्ट्र के जो प्रथम सीडीएस रहे स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी, उनका जो निधन हो गया और उनके साथ जो 12 अन्य जवान थे, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, यह पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। और इस विषय पर हम सभी इस भुरकुंडा कोयलांचल क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, समाजसेवी हैं, सभी हम अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे हम कभी पाट नहीं सकते हैं, परंतु हमारा राष्ट्र का एक एक बच्चा आज इस भाव से जागृत होगा कि हर एक को विपिन रावत जैसा हमें बनना है। और जिस प्रकार से उन्होंने देश के बाहरी आक्रमणकारियों शक्तियों का उन्होंने मुकाबला किया अपने पूरे जीवन काल में, उसी प्रकार से हमारी नई पीढ़ी भी उनका मुकाबला करती रहे, इस कामना के साथ आज हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। धन्यवाद।